चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यूपी के बड़े बिल्डर संजय सेठ को एलडीए ने नोटिस भेजा है। जॉपलिंग रोड पर अवैध निर्माण कराए जाने को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। हजरतगंज के शालीमार एमरल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण किया था, तो कल सुबह 11 बजे एलडीए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हजरतगंज के शालीमार एमरल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण हुआ था, जवाब न दाखिल करने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, की क्या पूरा मामला है और कितना बड़ा मामला है? विवेक सुन पा रहे हैं क्या? तो विवेक से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। हजरतगंज के शालीमार एमराल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है और यूपी के बड़े बिल्डर जो हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय सेठ हैं जिनको एलडीए ने नोटिस दिया है और कल 11 बजे तक उन्हें जाकर बातचीत करनी है, जवाब देना है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और के भाई रिजवान सोलंकी पर कानपुर में केस दर्ज है। दोनों भाइयों पर मकान कब्जाने के आरोप लगे। दरअसल कानपुर के जाजमऊ में 2 दिन पहले झुग्गियों में जो आग लगी थी उसकी तपिश सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर तक पहुंच चुकी है। आग में बुजुर्ग महिला की गृहस्थी जलकर खाक हुई तो इरफान सोलंकी आरोपों में घिर गए। आज घटना के हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद करवाते हैं, कभी भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है। महिला का आरोप है कि प्लॉट पर इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की नजर थी, इसलिए झुग्गियों में आग लगवाई गई। इसके बाद कानपुर में दोनों भाइयों पर केस दर्ज हुआ। साथ ही लापरवाही बरतने पर जाजमऊ थाना अध्यक्ष पर भी गाज गिरी। इन आरोपों के बाद पुलिस हरकत में आई। विधायक के घर भारी दल बल के साथ पहुंची और विधायक की लग्जरी गाड़ियों को उठाकर थाने ले गई। इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, लिहाजा विधायक पर कानून का शिकंजा कस चुका है। जब कानून का शिकंजा कसता है तो अच्छे अच्छे के आंसू निकल जाते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही। ये आंसू यूं ही नहीं निकले हैं, चेहरे की हवाइयां ऐसे ही नहीं उड़ी हैं। कानून की गिरफ्त में आए तो विधायक इरफान सोलंकी भागते हुए लखनऊ चले आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की तो आंसू छलक आए, कह रहे हैं आरोप बेबुनियाद है, प्रताड़ित करने में कमिश्नर कहां थे। पहले मैं कह रहा हूं, मैं अपने तीनों बच्चों की सौगंध खा रहा हूं, मुझे कभी उसके आसपास भी देखा है। सिर्फ मैं विधायक हूं इसलिए मुझे फंसाने के लिए, इसलिए लोगों की हाथों की कठपुतली बन गए और डीएम साहब ने, माफ करिएगा, कमिश्नर साहब ने उसकी जांच भी नहीं कराई। लेकिन दुनिया जानती है कि मजदूरों पर जुल्म करने वाले इन सफेद पोशों पर कानून का शिकंजा कसता है तो ऐसे ही इमोशनल गार्ड का सहारा लेते हैं। इरफान सोलंकी को भी कानून से बचने का यही रास्ता शायद शॉर्टकट नजर आया है, इसलिए इमोशन वाली सियासत को अपनाया है। माफिया डॉन मुख्तार के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के बेटे और साले से ईडी की पूछताछ जारी है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 5 दिन से कस्टडी में है तो साला सरजील रजा 2 दिन से ईडी के सवालों का सामना कर रहा है। दोनों को आमने सामने बैठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को पता चला कि साला सरजील रजा ही मुख्तार परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का असली मास्टरमाइंड है। सरजील रजा ने ही मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से अलग कंपनी बनवाई थी। मुख्तार के साले सरजील की कंपनी में सालाना 15 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता था, जबकि कारोबार से करीब 2 करोड़ की कमाई होती थी। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काली कमाई से लग्जरियस लाइफ जीने का आदि हो गया था। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अब्बास अंसारी ने पिछले कुछ सालों में कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं की हैं। अपनी विदेश यात्राओं पर उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इसके साथ ही उसने विदेशी हथियार भी खरीदे हैं। अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में 12 नवंबर तक रहेगा, जबकि उसका मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ 15 नवंबर तक, लेकिन ईडी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।